मैं? हाँ तू, तुझे और कोई यहाँ दिख रहा है क्या? इधर आ। हाँ बोलो। हाँ बोल। तेरी वजह से मेरा बैग गिर गया, आंखें खोल के नहीं चल सकता क्या? तो मैडम इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती है, तू आंखें खोल के नहीं देख रहा था। तुझे दिख नहीं रही थी कि मैं वहाँ से आ रही हूँ जो टक्कर मार दी और मेरा बैग गिरा दिया, और मेरे बैग के अंदर इतना इम्पोर्टेंट सामान था, वो टूट गया होगा सारा, कहाँ से लाऊंगा मैं वो सामान? देखिए मैडम, गलती इसमें आपकी है, आपकी वजह से मेरा फोन गिरने से बच गया। क्या सॉरी बोलने की बजाय तू मुझे पे ब्लेम लगा रहा है? देखिए मैडम, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, ऊपर से मेरा मूड भी स्पॉइल कर रही हो, आप निकलिए यहाँ से। ओ हेलो, तेरा टाइम टाइम और मेरा टाइम कुछ भी नहीं, इतने इम्पोर्टेंट काम से मैं जा रही थी और तूने मेरा बैग गिरा दिया। इसके अंदर का सारा मेकअप का, मेरा कॉस्मेटिक का सामान टूट गया होगा, कौन ला के देगा वो? पता नहीं, जब भी अच्छे काम के लिए जाओ ना, तुम जैसे बेवकूफ लोग काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देते हो। ओ मैडम, तमीज में बात करो, मैं आपसे कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है अब कुछ बोलोगी। तुझे पता भी है आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी और तूने ना सारा मूड स्पॉइल कर दिया मेरा, और अब मुझे उसको यहीं पे बुलाना पड़ेगा। तू रुक जरा, तेरे को तो अभी बता। ये फोन तेरे पास क्या कर रहा है? तुम काजल? हाँ मैं ही काजल हूँ, और तुम? अनफॉर्चुनेटली अभिषेक। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? अरे रे, तुमने जो भी किया वो सही किया, अगर तुम ये सब नहीं करती तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने नहीं आती। तुम्हें पता है सब फोन पे अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, प्यार से बातें कर लेते हैं, तब कुछ सामने आता है ना, तब उसकी सच्चाई का पता चलता है कि वो कैसा है, और आज मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया कि तुम कैसी हो। नहीं नहीं अभिषेक, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो मेरा बैग गिर गया था और मैंने गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया, उस बात को दिल से मत लेना, मुझे माफ कर दो। देखो तुम ऐसी बातें मत करो, मुझसे गलती हो गई। अच्छा काजल जी, आपको माफ कर दूं मैं? हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं मान रही हूँ ना, मैंने गलती से तुम्हें चाटा मार दिया, मैं सॉरी भी बोल रही हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो माफ कर देता हूँ आपको, लेकिन वो थप्पड़, उस थप्पड़ का क्या? तुम्हें बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो? क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हाँ एक तरीका है, ये है वो तरीका। सबसे पहले ना सामने वाले की सुन लेनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, आपकी तरह नहीं सीधा एक्शन ले लो। ना तुमने जाना ना पहचाना, बस जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो, और आज के बाद ना मेरे पास कॉल या मैसेज कर मत देना, और ना ही मुझे अपनी घटिया स्किल दिखाना। और एक बात और, यू लॉस्ट द डायमंड बेबी, बाय।